गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.8 ऑफ क्लास 6। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसके आपको बताना है क्यों नहीं है। तो फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी लाइन सेगमेंट से बना है, तो दिस इज अ पॉलीगन, तो आंसर इज येस। सेकेंड वाले में भी आपके पास लाइन सेगमेंट्स है, तो ये भी आपके पास पॉलीगन है, इसका आंसर भी येस। थर्ड वाला आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं, इसलिए इसका आंसर नो। फोर्थ वाले में आपके पास दो लाइन सेगमेंट है बट एक लाइन सेगमेंट नहीं, कर्व लाइन है, इसलिए इसका आंसर भी नो। और ये दोनों क्यों नहीं है पॉलीगन, हमें रीजन देना है, क्योंकि बिकॉज दे आर कर्व लाइन्स, उनके पास कर्व लाइन्स, और जिसके पास कर्व होंगी वो पॉलीगन में काउंट नहीं होगा। पॉलीगन में सारी लाइन जो होनी चाहिए लाइन सेगमेंट्स ही होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू में हमें आइडेंटिफाई करना है और इसका नाम लिखना है, इस पॉलीगन का नेमिंग क्या है। तो फर्स्ट वाला जो आपके पास है इसमें चार साइड है, तो इसका नेमिंग हो गया क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड वाला जो आपके पास है उसमें आपके पास तीन साइड है, इसका मतलब नेम हो गया ट्राइंगल। फोर्थ थर्ड वाले में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 साइड है, इसका नाम पेंटागन। नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइड है, इसका नाम हो गया ऑक्टागन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स, और रेगुलर वर्ड कहीं पे भी लिखा हो इसका मतलब जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल शो कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल है ये। उसके बाद बोला है इसकी कोई भी तीन वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, तो मैंने ए को ज्वाइन किया, बी को और सी को। तो जब मैंने तीन वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो ये बन गए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से हमने, उसने बोला इस ट्राइंगल जो आपने बनाया उसको मैंने शेड कर लिया, और उसमें पूछा इसका नाम क्या होगा। तो अगर आप देखोगे तो साइड साइड अनइक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी, कोई भी बराबर नहीं होगी, तो ये हो गया स्केलन ट्राइंगल, इसका नेमिंग है स्केलन ट्राइंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एक रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करना था। क्वेश्चन ने बोला ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन मतलब 8 साइड, और मैंने साइड साइड बराबर करी, आप कोशिश करना कि बराबर हो साइड साइड। और उसके बाद उसने बोला है इससे एक रेक्टेंगल बनाइए, तो मैंने ही चार वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या बना दिए, रेक्टेंगल बन गया। चार वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमारा ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, हमें एक उसने बोला है डायगनल होती है जो किसी भी पॉलीगन की वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, उसके बिल्कुल बराबर वाली को छोड़कर जितनी भी होती है सारी अपोजिट होती हैं। तो मैंने ये एक रेगुलर बना, मैंने एक पेंटागन बनाया, पांच साइड बनाई। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ए पॉइंट से, मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट से स्टार्ट करूँगी। तो ए से मैंने एक लाइन बनाई, तो यहाँ मिली, इसको छोड़ दिया तो ज्वाइन हुआ वो रखा ऑलरेडी, ये आपके पास एक, फिर ए से एक और बनाई, ये एक दो, फिर मैंने बी से बनाई, फिर जो है मैंने बी से बनाई, बी पॉइंट से बनाई, तो बी पॉइंट से हमारे पास यहाँ से तीन और ये चार, फिर मैंने सी पॉइंट से बनाई, तो सी पॉइंट से भी आपकी एक तो ऑलरेडी बनी थी और एक एक पाँच, डी से ऑलरेडी बनी हुई है और ई से भी ऑलरेडी बनी हुई है। तो एक पेंटागन की जो नंबर ऑफ डायगनल्स होती है वो होती है 5। This is your exercise 5.8 solutions.